अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं भाई। आज आ गया वो दिन जिसका इंतज़ार था, और आज हम जैसा कि आपने देख लिया हुआ टाइटल, निकल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये हमारा ट्रिप रहेगा 3 महीने का तकरीबन। और आज है 5 दिसंबर, इस वक्त हो रहे हैं 3:30 ऑलमोस्ट। तो मैं तो हो गया हूँ रेडी, अम्मी का वेट कर रहा हूँ, अम्मी मेरे साथ जाएंगी। तो प्लान ये है कि अम्मी को एक्चुअली लेके जा रहा हूँ मैं अपने साथ, तो इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ जगहें दिखाएंगे कैसे रहा सफ़र। यहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, एयरपोर्ट से फिर हम क्या आगे प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सब बहुत लेट हो गए, जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। तो तकरीबन सामान भी सारा रेडी है, तो बस निकलने में लेट हो गए थोड़ा सा, तो फिर इंशाल्लाह। इस वक्त पूरे 4 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और थोड़ा सा यू नो पैनिक में आ गए। तो अब इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुंच के फिर आपसे अपडेट देते हैं क्या सिचुएशन है, ठीक है। वैसे अगर हम उसमें आए तो बहुत ही मुश्किल है भाई, 14 मिनट तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 14 मिनट में पहुंच जाए यहाँ पे। नहीं क्या रोकेंगे आपको, पहुंच गए हम लोग भाई टर्मिनल, मगर पार्किंग नहीं है, रश इतना है, देखते हैं क्या सीन है। चलो आधे ही मिल गए, बस हो गई बोर्डिंग, और अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन होती है तो फिर बताते हैं आपको, इमिग्रेशन पे भी बहुत रश है भाई। बोर्डिंग पास बना लिया, काफ़ी शुक्र है, बहुत रश था, मगर ये कि बना लिया अभी भी तकरीबन कोई 40 मिनट है हमारी, यानी कि और सबसे बड़ी टेंशन की बात है बोर्डिंग पास पे हमारा गेट नंबर नहीं लिखा हुआ। अब अलर्ट रहना पड़ेगा, नमाज़ पढ़नी है मुझे, मम्मी गई हुई है नमाज़ पढ़ने, तो उस पर ये होगा अनाउंसमेंट कर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अनाउंसमेंट क्या होती है, तो देखें यार अभी क्या सीन है। टाइम तो लग ही रहे यहाँ पे, इधर नमाज भी हो रही है, फिर नमाज में नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि अम्मी जो हैं वो अंदर गई हुई है। चलिए फिर देखते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। सही है, आप सेट हैं? फाइनली जहाज पे चले। वो है अच्छा, छपी है मास्क
मून होटल पे। बहुत ज़्यादा गर्म है वेदर, 27 डिग्री तो नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, 27 डिग्री से। देखते हैं अब रूम कैसा है, आपको रूम का विज़िट कराते हैं, अभी तक रूम दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। और 9 बजे तक का इन्होंने कहा है और हमारी फ़्लाइट है रात को 12 बजे की, और 9 बजे जो है वो हम ये होटल से पिक करेंगे एयरलाइन, तो देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आपको दिखाता हूँ फिर होटल के रूम में। ये रूम है हमारा, ठीक है, दो बेड है इसमें, एसी इन्होंने लगाया हुआ है, बुरी हालत है, कोई कूलिंग नहीं कर रहा सही, बच्चे ऐसे देखते हो सकता है थोड़ी देर में कूलिंग कर दे, चाय वगैरह रखी है इन्होंने, पानी है। कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, बारिश का सिस्टम नहीं है। कुछ भी नहीं है, कबर्ड के लिए खुल भी नहीं रहा उसका दरवाजा। वॉशरूम में अम्मी है, वो दिखाते हैं फिर आपको बाद में। ये वॉशरूम, ये है वॉशरूम, बस छोटा है, बस सही है, गुजारने के लायक है। अब जो है वो किसी भी काम चलाना पड़ेगा भाई, तो देखते हैं। खाने के लिए कह रहे हैं कि हलाल फूड सर्व करते हैं फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन कस्टमर्स, बट आई डोंट नो क्या सीन है, तो देखते हैं फिर करते हैं कुछ। खाना खाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं उस पर, ठीक है। और थक तो बहुत गए, अम्मी भी बहुत थक गई हैं, मैं भी बड़ा टायर्ड हूँ, बट ये है कि सही रहा अभी तक का सफ़र, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह खाने की उस पर। अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, और हम जाते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, ठीक है। चले फिर अभी आपको लेके जाते हैं रेस्टोरेंट, चलिए।
आज का ब्लॉग अभी यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम एक नए उसमें स्टार्ट करेंगे, श्रीलंका से हम ट्रैवल करेंगे सिडनी के लिए, तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे उसके बाद मज़ी। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।